आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली के बारे में। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। 24 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को नए स्वरूप में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में 14 अक्टूबर 2021 को राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन भोपाल के मिंटो हॉल में किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में बालिकाओं का कौशल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। बालिकाओं की कॉलेज में पढ़ाई, स्वरोजगार अथवा नौकरी पाने तक हर संभव सहायता की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 2 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद 20,000 की राशि मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। बेटियों के डिजिटल और वित्तीय ज्ञान के लिए सभी कन्या छात्रावासों में सेंटर खोले जाएंगे, जिन ग्रामों में महिला पुरुष अनुपात के आधार पर लड़कियों का जन्म होगा उस गांव या पंचायत को लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेंगे। बेटियों के डिजिटल और वित्तीय ज्ञान के लिए सभी कन्या छात्रावासों में सेंटर खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के हर जिले में साल में एक दिन लाडली लक्ष्मी उत्सव तथा ग्राम स्तर तक लाडली लक्ष्मी दिवस मनाएंगे।